वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न न्यू लेसन, द पास्ट इन द प्रेजेंट इन इंग्लिश बाल भारती टेक्स्टबुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पास्ट इन द प्रेजेंट। दिस इज अ स्किट। ये एक स्किट के फॉर्म में, जैसे एक ड्रामा जब हम जब प्ले करते हैं तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अभी हम इस लेसन में देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर है। नील, अ यंग टीनेजर। टीनेजर हम किसको बोलते हैं, जिसकी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 13 से 17 साल के बीच में हो। और वो 13 से 17 साल के बीच में हो और जब वो 18 साल की हो जाती है, 18 साल का हो जाता है, तो वो अडल्ट बन जाता है। अ बॉय फ्रॉम 1950s, नील्स ग्रैंडपा। अभी जो 1950s में जो लड़का आएगा वो नील का कौन है, ग्रैंडपा है। अ बॉय, अब 1910 बॉय, नील्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब जो नील के ग्रैंडपा के दादा। एंड 1800 बॉय, डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, मतलब दादा के दादा। अब 1500 बॉय, डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, मतलब दादा के भी दादा। 1000 बॉय, ट्रिपल ग्रेट 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 ग्रैंडपा। 100 CE बॉय, ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडपा। और यहाँ पे हम कौन से कैरेक्टर को देखेंगे। मॉम कौन है, नील्स की मदर, नील की मम्मी है। अ लेडी फ्रॉम 1950s, द बॉयज ग्रैंडपास मदर, मतलब उसकी दादी। अ लेडी फ्रॉम 1950s, द बॉयज मदर, उसकी मम्मी। अ लेडी फ्रॉम 1900, द बॉयज मदर, उसकी मम्मी। अ लेडी फ्रॉम 1800, द बॉयज मदर। अ लेडी फ्रॉम 1500, द बॉयज मदर। अ लेडी फ्रॉम 1000, द बॉयज मदर। अ लेडी फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, द बॉयज मदर। अ लेडी फ्रॉम 3000 BC, द एनकेस्टर्स मदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक माँ और बेटे के बीच में क्या क्या बातें हो रही है जो एक ड्रामे के फॉर्म में बताया है। तो हम पहला सीन देखेंगे। सीन, टिपिकल टीनेज बॉयज रूम इन मेसअप स्टेट। जैसे आजकल के जो टिपिकल टीनेज रहते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो देखो अपने कमरे का वो कैसा रखते हैं, मेसअप करके रखते हैं, बिल्कुल चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखते हैं। नील, मॉम आई पुट द डिश इन द डिश वाटर जस्ट एज यू आस्क मी टू, नाउ आई एम गोइंग टू आउट टू मीट माई फ्रेंड्स। एंटर मॉम इन अ मूड आउटफिट। अभी क्या होता है, नील अपनी मम्मी को क्या बोलता है कि मैंने जो डिशेस थे वो डिश वाटर में, वॉशर में डाल दी हूँ, वॉशर में डाल दिया हूँ, और मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी गुस्से में आती है। मॉम, यू हैव नॉट क्लीन अप योर रूम। अभी मॉम नील को चिल्लाती है कि तुमने अपने रूम की सफाई नहीं की। नील, आई क्लीन इट ओनली 2 days ago। नील क्या बोलता है, मैंने अपने 2 दिन पहले तो मैंने अपने कमरे की सफाई की थी। मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे। मॉम क्या बोलती नील को, तुम्हें रोज़ाना सफाई करनी होगी, तुम्हें एक दो दिन से साफ करने से नहीं, एक दो दिन साफ करोगे तो तुम्हारी घर की सफाई होगी। जैसे हमारे घर में आपको देखो मम्मी भी चिल्लाती होगी कि आप अपने घर को, अपने घर का कमरा साफ सुथरा रखा करो, कोई भी चीज़ें बिखर के नहीं रखा करो। ये सब चीज़ें आपकी मम्मी भी आपको शाउट करती होगी। तो यहाँ पे नील की मम्मी नील को शाउट करी कि तुम्हें रोज़ाना सफाई करनी होगी। नील, पिकिंग अप हिज बुक्स क्लोथ हेडफोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड, पुटिंग अप देयर इन देयर प्लेसेस, इज इट नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अभी नील क्या करता है, अपनी सारी जो उसकी किताबें रहती है, कपड़े रहती है, हेडफोन रहते हैं, वो सब ज़मीन पे पड़े रहते हैं, तो बराबर वो फटाफट जगह पे रखता है। बोलता है कि ज़रूरी है कि मैं साफ़ सफाई डेली करूँ, रोज़ाना करूँ। तो मॉम क्या बोलती है, इट बिल्ड अप द राइट हैबिट, द राइट एटीट्यूड। उसकी मम्मी क्या बोलती है, हाँ तुम्हें रोज़ाना सफाई करनी होगी, ये तुम्हारी अच्छी आदतों में शामिल होता है कि तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए, तुम्हें सफाई मेंटेन करनी चाहिए। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी आपको शाउट करती होगी अगर आपने किताबें बराबर से कमरे में नहीं रखी होगी, अपने कपड़े और अपनी दूसरी चीज़ें सही से नहीं रखी होगी। देखो मम्मा, आपकी मम्मी आपको ज़रूर शाउट करती होगी, आप अपने कमरे की सफाई ज़रूर करो। नील, कट हर शॉर्ट, ऑल राइट, आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर व्हेन स्कूल इज ऑन। तो यहाँ पे नील क्या बोलता है, मैंने बहुत लेक्चर सुन लिया, जब स्कूल चालू था तो मैंने बहुत लेक्चर सुन लिया। तो अभी नील की मम्मी क्या बोलती है, आफ्टर नील फिनिशेस चोर्स, दिस लुक्स मच बेटर नाउ, बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड, टू
डू डेट एंड यू मे गो आउट। फिर क्या होता है, जैसे नील अपना सारा काम खत्म होता है, चोर्स का मतलब होता है काम फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तो उसकी मम्मा क्या बोलती है, तुम अपना बैड बस सही करना भूलना नहीं। जैसे आप बेड पर लेटते हो तो आपकी मम्मा आपको बोलती होगी ना, अपना बैड सही कर दो, बेडशीट पिलो वगैरह सब सही से रख दो, इसे ठीक करना भूलना नहीं। नील, इरिटेड मॉम, इट्स गेटिंग लेट, द बैड इज गोइंग टू बी मैस अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू आई मेक माई बेड, व्हाई। अब यहाँ पे नील क्या बोलता है कि मम्मी मुझे बहुत देर हो रही, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा बेड वापस से गंदा हो जाएगा जब मैं सोने जाऊँगा लंच करने के बाद, तो मैं बार बार उसे ठीक करने की क्या ज़रूरत है। मॉम, डेट रिमाइंड मी ऑफ समथिंग डेट आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा। मतलब ये तुम्हारी हरकतें, मैं कुछ तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारे दादा की याद दिलाती है। When he was in teen, जब वो टीन एज के थे तो he had many more daily chores to finish and must upper ones too। मतलब वो क्या बता रही है मॉम, उसके नील के दादा के बारे में बताने लगी, जब वो टीन एज में थे तो वो अपना काम कैसा फटाफट कर देते थे और बहुत तेज़ी से करते थे। मॉम, ऑन डैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिज फैमिली। मतलब उस दिन से मतलब बताने लगी, अपने नील के दादा के बारे में बताने लगी, जब वो टीन एज के थे तो कैसे काम करते थे। अ टीन एज बॉय फ्रॉम 1950s वेयरिंग लूज ट्राउजर शर्ट एंटर विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। अब यहाँ पे क्या है, जो 1950s में रहेगा टीन एज बॉय कैसा रहेगा, जैसे वहाँ पे टीन एज का लड़का कैसा कपड़ा पहना, लूज ट्राउजर पहना रहेगा, शर्ट पहना रहेगा, और वो अपनी मम्मी के साथ सिल्क साड़ी में आ रहा है। द बॉयज मदर, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, ये 1950s की बात हो रही है, नील के दादा की बात हो रही है ना, हाँ अगर तुम्हें बाहर खेलने जाना है तो तुम्हें अपने बेड को सही करना होगा। 1950s बॉय, बट मम्मा आई ऑलरेडी वाटर द गार्डन, ब्राउथ होम द ग्रोसरीज, डस्टिंग द लिविंग रूम, क्लीन माई बाईसाइकल, नाउ वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड। अभी यहाँ पे जो 1950s का बॉय है वो क्या बोलता है, मैंने क्या किया, मैंने पौधों को पानी दे दिया, और जो ग्रोसरी बोलते ना राशन भी ले आया, ग्रोसरी हम किसको राशन भी मज़ार से ले आया, और लिविंग रूम की भी सफाई कर दी, अपनी बाईसाइकिल को भी क्लीन कर दिया, तो मुझे अपना बेड कल सही करना ज़रूरी है क्या। द बॉयज मदर टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंड फादर्स इंटरेस्ट। अभी जो बॉयज़ की मदर है, अभी जो नील के दादा की मदर है, तो वो अपने दादा की मतलब उसके दादा की बात बताने लग रही कि जब वो टीन एज में थे तो वो क्या करते थे। 1950s बॉय एंड मदर रिसेड, स्टैंड बिहाइंड 1910 बॉय इंटर ड्रेस इन कुर्ता पैजामा एंड कैप विथ हिज मदर इन अ 9 ईयर साड़ी रोज रिंग एंड ज्वेलरी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस यहाँ पे एक पिक्चर है, देख सकते हो जो नील के दादा की 1950 की तस्वीर है, कि वो एक लूज ट्राउज़र पहना है, शर्ट पहना है, और उसकी मम्मी है सिल्कन साड़ी पहनी है। अब आप ये 1910 की तस्वीर देख सकते हो जो राइट साइड में है, कि वो उसने क्या पहना है, कुर्ता पैजामा पहना है और कैप पहना है, उसकी मम्मी जो है रिंग पहनी है, उसने कैसी साड़ी पहनी है, नौवारी जैसी साड़ी पहनी है, मतलब बहुत साल की बात है। 1910 मदर, ये कौन सी मदर है, मदर, और ये 1915 की मदर है। यू कॉन्ट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, उसकी मम्मी क्या बोली, तुम बाहर खेलने नहीं जाते जब तक तुम अपना बैट सही ना कर दो। 1910 बॉय, मम्मी आई फेच वाटर एंड फिल अप द पॉट्स एंड स्वेप द टेरिस कलेक्टेड वुड फ्रॉम द स्टोव एंड क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन। अभी यहाँ पे जो बॉय है, जो 1910 का बॉय क्या बोल रहा है, जैसे वो गाँव में रहता था, मैंने पानी भी डाल दिया, सही पानी भी भर दिया, मैंने पानी पॉट भी भर दिया, और मैंने टेरिस पे भी झाड़ू मार दिया, और फिर बोलते ना स्टोव जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए मैंने लकड़ियाँ भी ले आई कलेक्ट करके, जैसे पहले ज़माने में हमारे यहाँ गैस वगैरह नहीं होती तो लोग स्टोव वगैरह पे लकड़ी करके चूल्हा जलाते थे, कलेक्ट करके जला करते थे, लकड़ी वगैरह कलेक्ट करके चूल्हा उस पर खाना पकाते थे, एंड क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन, मतलब मैं जो ग्राइंडिंग स्टोन था जिस पर हम मसाला पीसते वो भी मैंने साफ़ कर दिया। क्या अब मैं खेलने नहीं जा सकता हूँ, ये कौन बोल रहा है, 1910 का बॉय बोल रहा है। नील, टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन, अह दे डिड नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इन दोज डेज।
अभी नील क्या बोल रहा है, अपनी मम्मी को बोल रहा है ये ग्राइंडिंग स्टोन क्या है, तो क्या बोल रही है उसकी मम्मी, क्या बोल रही है? उस जमाने में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह इतनी डेवलप नहीं हुई थी, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह नहीं हुआ करते, तो लोग उस पर पीसते थे, ग्राइंडिंग स्टोन पे मसाला पीसते थे। मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी इधर इन मोस्ट टाउन एंड सिटी इन इंडिया देन। नील लुक सरप्राइज, तो मॉम क्या बोलती है, हाँ उस ज़माने में मतलब टाउन सिटी में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं रहते करते थे, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब आ गई है। 19 डन बॉय, आई प्रॉमिस टू गो टू द रिवर साइड विथ माई फ्रेंड, वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड नाउ। अभी 19 का क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं रिवर साइड में जाने वाला हूँ खेलने के लिए, मुझे अपना बेड सही करना ज़रूरी है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, द बॉयज मदर टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर हु लिव इन 19th सेंचुरी वेन ही वॉज यंग। अभी यहाँ पे जो है 19 की बॉय की क्या बता रही, मुझे तुम्हारे दादा के दादा की बात बताने दो कि जब वो टीनेज में थे तो वो क्या करते थे। 1910 बॉय, मदर इज सेड टू वेयर द प्रीशियस पर्स स्टैंड। 1800 बॉय, इंटर इन धोती कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन विथ हिज मदर एंड 9 years साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। 1800 मदर, सन मेक एवरी वन स्वेट। यहाँ पे जैसे 19 के मैंने बताया आपको 18, तो कैसा पहना है बॉय ने, धोती पहना है, कुर्ता पहना है, स्मॉल टर्बन टोपी पहना है, और जो मदर है उसने साड़ी पहनी है और एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है, तो वो भी अपने बेटे को ऑर्डर कर रही है, जब तक तुम अपना बैट सही नहीं कर लोगे तो तुम्हें खेलने जाना नहीं है बाहर। 1800 बॉय, मदर डियर आई हैव वॉश क्लोथ इन एट द रिवर, पुट देम अप टू ड्राई, ऑल्सो चॉप द वुड, मिक्स द ब्रोकन फेंस एंड टुक द गोट अप टू द हिल टू ग्रेस। आई वॉन्ट टू प्ले अत्या पत्या पत्या विथ माई फ्रेंड्स, वाई डू हैव टू मेक द बेड्स। अभी 1800 का बॉय क्या बोल रहा है कि मैंने कपड़े सारे जो कपड़े लेके गए थे रिवर में, नदी में लेके सारे धो दिया, मैंने उसको सुखा, मैं सारे कपड़े मैंने नदी में जाके धो दिए और उसको मैंने सुखाने को भी डाल दिए, और मैंने सारी लकड़ियाँ भी काट दिया है, और जो गेट फैंस टूटे थे उसको भी ठीक कर दिया है, और मैंने बकरे को लेके मतलब जो गोट्स थे उन्हें भी चरा दिया, उन्हें भी पत्तियाँ वगैरह खिला दिया, लेकिन अभी मैं क्या खेलना चाहता हूँ, अत्या पत्या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहती हूँ, तो मुझे अपना बैट सही करना ज़रूरी है क्या। द बॉयज मदर, डेट्स योर डेली वर्क, यू ग्रेट ग्रेट फादर डिड इवन मोर, नाउ गो एंड मेक द बेड। तो यहाँ पे जो बॉय की मम्मी क्या बोलती है, ये तो तुम्हारा रोजाना का काम है, लेकिन तुम्हारे जो दादा के दादा है वो तो बहुत ही अच्छा काम करते थे, उससे भी ज़्यादा काम करते थे, जाओ तुम अपना बेड बनाओ। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती होगी तो बताती होगी, आपके जो दादा थे उससे भी बहुत ज़्यादा काम करते, तो आप बोलते हो कि अरे हाँ उससे भी ज़्यादा काम करते थे। 1800 बॉयज रिसेट टू वेयर द प्रीशियस पर्स स्टैंड। इंटर 1800 बॉय ड्रेस इन द लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शॉर्ट धोती विथ हिज मदर इन अ 9 years साड़ी। अभी यहाँ पे 1800 का बॉय कैसा आया, स्लीवलेस टी शर्ट में आया है और शॉर्ट धोती में आया है, और उसकी मम्मी कैसी सिंपल साड़ी में आई है। नील, दिस फोर फादर ऑफ माइन इज फॉर्म मॉम द 16th सेंचुरी द 1500 बॉय, माई डियर मदर आई है ऑलरेडी milk the cow, taken them to graze, fetch vegetable from our farm, stack them and swept the backyard at front yard, now may I please go to play ashtapada with sampada bhu and the mahavid mahadeva bhu mahadeva bhu, why should I make my bed now। अब यहाँ पे अपना पिटने का बॉय अपनी मम्मी को क्या बोल रहा है, मैंने दूध और मैंने काऊ को ऑलरेडी मिल्क द काऊ, मतलब मैंने ऑलरेडी मिल्क दे दिया काउ को, और मैंने उन्हें सब्जियां भी खिला दी, और मैंने मतलब घर की सारी सफाई भी कर दी, तो क्या मैं ये अस्तापड़ा और संपथा बहू और ये महादेव बहू यहाँ पे खेलने जाऊँ क्या, मैं मुझे अपना बेड बनाना ज़रूरी है क्या। द बॉयज मदर, अस्तापड़ा एंड संपथा बहू महादेव बहू, ये मुझे वहाँ पे खेलने जाऊँ, मुझे अपना बेड लगाना ज़रूरी है क्या। वाई डोंट टॉक बैक, थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंड ब्रदर वेन यू वॉज 14 years ओल्ड। तो बॉय की मम्मी क्या बोल रही है, तुम मुझे बैक आंसर मत दो, तुम अपने थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अपने दादा के बारे में सोचो, जब वो 14 साल के थे तो कितना काम करते थे। अभी यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो कैसे जो है 1500 के जो बॉय है उसने कैसे कपड़ा पहना है, स्लीवलेस टी शर्ट पहना है और क्या पहना है, स्लीवलेस टी शर्ट पहना है, धोती पहना है, उसकी मम्मी ने साड़ी पहनी है, और जो है
और जो 1000 बॉय है, 1000 का वो बॉय कैसा पहना है, उसने टर्बन पहना है, कुर्ता पहना है और उसकी मम्मी ने साड़ी पहनी है। 1500 बॉयज मदर रिसेट इंटर 100 बॉय 1000 बॉय इन अ फ्लेयर प्ले टूनिक एंड चूड़ीदार वेस्ट बैंड टर्बन विथ इज मदर इन अ सारी अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरीज। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 के बॉय ने क्या पहना है, सिंपल वेस्ट पहना है, फ्यूलेस टी शर्ट पहना है और धोती पहना है, उसकी मम्मी ने सिंपल साड़ी पहनी है। और जो 1000 है का बॉय है, जब इंटर हुआ तो उसने कैसा ड्रेस कोड पहना है, कुर्ता पहना है, टर्बन पहना है और उसकी जो मम्मी है बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है, साड़ी पहनी है, तो इनका जो ड्रेस कोड ऐसा है। 1000 बॉय अभी क्या बोलेगा, मोस्ट रिवर्स मदर आई हैव फेच वाटर फ्रॉम द लेक एंड पोर इट इन टू द फार्म चैनल्स टू वाटर टू आवर क्रॉप्स। अभी क्या बोल रहा है कि मैंने सारा पानी झील से निकाल दिया है और सारा पानी मैंने खेतों में भी डाल दिया है। आई क्लियर द ब्लॉक चैनल्स एंड पुल आउट वीड्स, मतलब मैंने सारे चैनल्स को भी ठीक कर दिया। एट होम आई पैच द मड वॉल्स वेयर देयर वर क्रैक, आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, आई विश टू गो टू वॉच द पपेट शो, व्हाई डू आई टू मेक माई वेट। वो क्या बोला, मैंने बहुत सारा काम कर दिया, मैंने झील में से पानी निकाला, खेतों को डाल दिया और सारे जो चैनल्स थे सारे घास सबको घास फूस मैंने निकाल दी, सब ठीक कर दिया, दीवार में जो मरम्मत करनी थी वो भी ठीक कर दिया। क्या मैं अभी, अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्या मैं पपेट शो देखने जा सकता हूँ बाहर, क्या मुझे बेड सही करना ज़रूरी है। बॉयज मदर, डू नॉट गंबल डियर सन, योर ट्रिपल ग्रेट 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 ग्रैंड मदर हैड सो मच मोर देन वेन योर योर्स। अब बॉय की मम्मी क्या बोल रही है, तुम्हारे जो दादा के दादा थे वो तो ये इस उम्र में बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, तुम्हारा काम तो कुछ भी नहीं है। 1000 बॉय हिज मदर रिसेट इंटर फर्स्ट सेंचुरी सी बॉय ड्रेस इन अ धोती एंड वेस्ट बैंड एंड नो शर्ट एंड हिज मदर इन अ साड़ी एंड अपर गारमेंट एज अ एंड अ बीट्स ज्वेलरी। अब यहाँ पे जो 1000 का बॉय क्या रहता है, वो कैसा धोती पहना रहता है, वेस्ट बैंड पहना रहता है, टी शर्ट नहीं रहती, उसकी मम्मी ने सिंपल साड़ी पहनी रहती है, उसके साथ अपने साथ ज्वेलरीज पहनी होती है। 100 सेंचुरी माता देवी, आई फेड द पोल्ट्री, टेंडेड द शिप, केप्ट द बर्ड्स अवे फ्रॉम द फोर हार्ट्स इन आवर फील्ड यूजिंग अ स्लिंग, ऑल्सो प्लस प्लेस्टर द यर्ड विद डंग। अभी यहाँ पे जो सेंचुरी का बॉय क्या बोल रहा है कि माता देवी, मैंने सारे मुर्गियों को खाना भी दे दिया और भेड़ों को भी दे दिया खाना, परिंदों को भी खाना दे दिया, क्या मैं अभी खेलने को जा सकता हूँ। 100 सेंचुरी बॉय, आई विश टू गो एंड प्ले भाग चल विथ माई फ्रेंड्स नाउ, वाई डू विश टू मी मेक द बर्ड्स राइट नाउ। अभी क्या बोल रहा है कि मैंने तो सारे काम कर दिया, मैंने बर्ड्स को खाना दे दिया, शिप को खाना दे दिया और सारा जो साफ सफाई का काम था वो भी कर दिया, आज क्या मैं भाग चल जाके अपने फ्रेंड के साथ खेल सकता हूँ, मुझे क्या बैट सही करना ज़रूरी है। द बॉयज मदर, बिकॉज डैट इज़ वॉट बॉयज हैव टू डू, लेट मी टेल यू अबाउट योर एनकेस्टर 3000 ईयर्स अगो। वो क्या बोल रही है, मुझे तुम्हारा ये लड़कों का रोज का काम होता है, क्या मैं मुझे तुम्हें एनकेस्टर 3000 साल पहले के बारे में बात करने दो। फर्स्ट सेंचुरी बॉय मदर रिसेट इंटर बॉय फ्रॉम 300 BC, अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट हेल्ड बाय अ कोड, लॉन्ग हेयर इन अ बन एंड पोनी टेल हिज मदर, सारी एंड वेल स्टोन एंड बीट्स ज्वेलरी। अब यहाँ पे ये जो मदर है इंटर कैसा करती है, वो साड़ी पहनी रहती है, ज्वेलरी पहनी रहती है, और बॉय कैसा पहना रहता है, उसने टी शर्ट और पैंट पहना होता है। 300 BC बॉय, मी बो टू दी मी हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली, वी हेल्प फादर टू कर्व स्टोन एंड ब्रिक फॉर आवर न्यू हाउस, मी डस्टेड आवर लेदर क्लोथ एंड बाउंडेड एंड पोर्ट्स फॉर कुकिंग पुट देम टू ड्राई, मी नीड योर kind permission to go and play and chopper with me friends, why does to need to bake the bed। अभी वहाँ पे boy क्या बोल रहा है, मैंने सारे खा सब अपने घर वालों को मैंने शिकार, मैं hunted down the food for family, मैंने अपने घर के लिए food मतलब शिकार करने गया था, मैं अपने घर के लिए खाना लेकर आया हूँ और मैंने सबकी घर की सफाई कर दी, लेदर के क्लोथ लेकर ड्रेस कर दिए और सारा काम मैंने कर दिया, तो मैं क्या ये चॉपर वगैरह अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं सकता, क्या मुझे बैट सही करना ज़रूरी है। बॉयज मदर, बिकॉज मी से नो, डू इट नाउ, मुझे नो बिकॉज मी से सो डू इट नाउ, मुझे मतलब ये ना सुनने की आदत नहीं है, तुम्हें ना बैट सही करके ही जाना होगा।
ऑल मदर टू द सन इन योर रिपीट डू इट नाउ विद द बॉयज आंसरिंग यस मदर. मतलब कितनी भी मम्मी थी, उसकी मम्मी, सबकी मम्मी यही बोलती थी, अपना सारा काम करके ही खेलने जाना है. नील ओके सो यंग टीनेज बॉयज हैड चोज टू आउटडोर एज वेल एज देयर होम. नील क्या बोलना, ठीक है, आजकल के यंग के टीनेज के बॉय को घर का भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है. मॉम वेरी मच सो एब्सोल्युटली राइट. मॉम क्या बोलती है, हाँ ये बात तो सही है. नील आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम. अभी नील यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं मेरी विश करता हूँ कि मेरे घर में एक रोबोट होना चाहिए जो मेरे घर के सारे काम कर दे, मेरा घर का जो रूम है वो भी साफ सुथरा रखे और मेरा बेड भी बना दे. मॉम नथिंग इज इम्पॉसिबल. मॉम नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई. If you try, you can make a such a robot. But even for that, you need to work hard. The bottom line is go and make your bed. अभी यहाँ पे जो नील क्या बोलता है कि काश मेरे पास रोबोट होता तो जो मेरे घर की सारी सफाई रोजाना करता, मुझे सफाई करने की जरूरत नहीं होती, मेरा बेड भी बना देता. लेकिन उसकी मम्मी क्या बोलती है, कुछ तो मुमकिन तो नहीं है. अगर तुम वाकई रोबोट बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, लेकिन ये इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी. इससे क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन इज गो एंड मेक योर बेड. फिर बाद में उसकी मम्मी क्या होती है, जाओ तुम अपना बेड सही करो. फिर कर्टन क्या होता है, क्लोज हो जाता है. तो देखो बच्चों ये कैसा था, एक ड्रामे के फॉर्म में बताया गया था, जो एक माँ और बेटे के बीच में बातचीत हो रही थी. कैसी जो है माँ बेटे के बीच में बात हो रही थी, जैसे जो बेटा था नील था वो अपना घर का सारा काम कर दिया, लेकिन उसने बैड को सही करना ज़रूरी नहीं समझा. उसकी मम्मी क्या बोलती है, तुम्हें अपने कमरे की सफाई करनी ज़रूरी है. जैसे आपकी मम्मा बोलती होगी, अगर आपने बुक्स वगैरह कहीं ऐसी जगह पे रख दी होंगी, अपनी किताबें, अपने कपड़े, अपने जूते और दूसरी चीज़ें को यहाँ वहाँ रख दिया हो, तो आपकी मम्मी ज़रूर आपको शाइड करती होगी, ज़रूर आप जो भी सामान जहाँ से ले रहे हो वहीं पे रखो. आपको अगर पेंसिल कहाँ रखना है, किताबें रखना कहाँ रखना, कपड़े कहाँ रखना, शूज़ कहाँ रखना, सॉक्स कहाँ रखना है, आपकी मम्मी आपको सफाई की सिखाती होगी. आप अपने अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना ज़रूरी है. तो इस ड्रामे में जो बताया था, स्क्रिप्ट के फॉर्म में जो था, माँ बेटी के बीच में बात थी, वो बता रहा था कि मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, मुझे खेलने जाना है. तो उसकी मम्मी क्या बोली, नहीं तुम्हें पूरा काम कंप्लीट करके ही जाना है. अगर तुम रोज़ाना अच्छी आदत लगाओगे, राइट हैबिट फॉलो करोगे, तो हमेशा सक्सेस रहोगे. तो इस ड्रामे में आपने देखा कैसे माँ बेटे के बीच में कन्वर्सेशन बताई है ड्रामे के फॉर्म में.